अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वीडियो का टॉपिक आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपका खाने वाली चीज़ को देखकर दिल करता है कि आप उसे खाएं, या फिर ऐसी चीज़ को खाने का दिल करता है जो कि आप बिल्कुल भी नहीं खा सकती, तो साइंस में हम लोग इसे फूड क्रेविंग कहते हैं और ये प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा आम है। ये बहुत ज्यादा औरतों की कहानी है जो कि अपनी प्रेगनेंसी के दौरान इस चीज़ से गुजरती है कि उनको बहुत ज्यादा फूड क्रेविंग होती है। अब हर औरत डिफरेंट होती है और हर किसी की प्रेगनेंसी भी डिफरेंट होती है। हो सकता है एक औरत जिसका शिद्दत से दिल चाह रहा है कि वो अपनी प्रेगनेंसी के दौरान आम खाए, खट्टी मीठी चीजें खाए, अचार खाए, कोई स्पाइसी फूड्स खाए, तो दूसरी एक ऐसी खातून भी होती हैं जिनका दिल करता है कि वो बहुत ज्यादा मीठा खाए। तो इसमें बिल्कुल भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आप पापड़ खा रही हैं या आप चॉकलेट्स खा रही हैं। ये एक फूड क्रेविंग है और ये एक बड़ी आम सी कहानी है और तकरीबन हर खातून इस चीज से गुजरती है। ये बिल्कुल भी कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं है। रोज आपकी बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं, डिफरेंट हॉर्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, केमिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसलिए आपने इस चीज को सोचकर भी स्ट्रेस नहीं लेनी कि ऐसा क्यों हो गया है कि मेरा ये चीज खाने का दिल कर रहा है। कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपने एहतियात करनी है जब आपको फूड क्रेविंग्स हो रही है। फर्ज करें कि आपका कुछ ऐसी चीज खाने का दिल कर रहा है जो कि आपको पता है इससे आपकी सेहत खराब हो सकती है, लेकिन आप अपनी फूड क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही, तो इस केस में आपने वो चीज खानी है, जरूर खानी है, लेकिन आपने उसको कम मिकदार में खाना है ताकि आपकी सेहत पर इसका असर ना हो और ना ही बच्चे पर असर हो। फॉर एग्जाम्पल जंक फूड हो गया। फिर आप ये कर सकती हैं कि आपने नंबर ऑफ मील्स अपने दिन में ज्यादा कर लेनी है, यानी कि अगर आप दिन में 3 दफा खाना खाती हैं तो आप दिन में 5 दफा खाना खाएं। अब दिन में 5 दफा खाना खाने से क्या मुराद है? इसका मतलब यह है कि जो खाना आपने दिन में 3 दफा खाना है वो आपने थोड़ा थोड़ा करके 5 दफा खाना है। अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपने 5ों दफा फुल फ्लेज एक मील लेना है। थोड़ा थोड़ा करके खाना है ताकि आपका पेट भरा रहे और आपको फूड क्रेविंग्स कम हो। जब आपका पेट खाली होगा तो आपका ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ खाने का दिल करेगा। उसके बाद आपने अपने पास कोई ना कोई स्नैक्स वगैरह जरूर रखने हैं, यानी कि लेज हो गए, पापड़ शापड़, कोई चॉकलेट वगैरह जो आपको पसंद है। अब इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपने महंगे महंगे पापड़ खरीदने हैं। आप कोई भी पापड़ खरीद लें, अब तो किराने की दुकानों पर 5-5, 10-10 रुपए वाले भी पापड़ मिल रहे होते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ वक्ती तौर पर अपनी क्रेविंग पूरी करनी है, तो उस केस में आपने इनमें से कोई चीज उठाकर खा लेनी है। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि आपने इन्हीं चीजों पर गुजारा करना है। बस जब आपको क्रेविंग हो रही है कि आपने कुछ चटपटा खाना है, कुछ मीठा खाना है, तो आपने कोई चीज इनमें से उठा के खा लेनी है मुनासिब मिकदार में, मॉडरेट अमाउंट में। फिर उसके बाद अगर आप ग्रोसरी पे चली गई हैं तो आपने हमेशा बाहर जाने से पहले पेट भर के खाना खा के जाना है, ताकि जब आप बाहर देखें कि टिक्के कबाब वगैरह बन रहे हैं तो आपका वो खाने का दिल ना करे, क्योंकि आपका पेट जब भरा होगा तो आपको फूड क्रेविंग्स नहीं होंगी। फिर हमेशा कोशिश करनी है कि दिन में 8 घंटे नींद लाजमी लें। मुझे पता है प्रेगनेंसी में नींद बड़ी मुश्किल से आती है और जो नींद आती है उसका भी इतना पता नहीं चलता कि हम सोए थे या नहीं सोए थे। अगर आपको नींद नहीं आती तो आपने रेस्ट लेना है। अब वो खवातीन जिनकी प्रेगनेंसी में भी नींद पूरी नहीं होती, उनको साइकोलॉजिकली ये चीज हो जाती है उनके साथ कि उनका खाना खाने का दिल करता है, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। ज्यादा पानी पीने से एक तो आपका एमनियोटिक फ्लूइड भी पूरा रहेगा और दूसरा ये कि जब आपका पेट भरा रहेगा तो आपको फूड क्रेविंग कम होंगी। मुझे पता है कि प्रेगनेंसी में वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है, लेकिन ज्यादा पानी पीने से फूड क्रेविंग्स को कम कर सकती हैं। फिर उसके बाद आप अपने दांतों को हमेशा साफ रखें। फिर आपने कोशिश करनी है कि हमेशा वो वाला खाना खाना है, अगर आपको फूड क्रेविंग्स हो भी रही हैं, जिससे आपकी बॉडी में अचानक से शुगर लेवल ज्यादा ना हो जाए। अब कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनको आप खाती हैं तो आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में शुगर लेवल अचानक से ज्यादा हो जाता है। साइंस में ऐसी फूड्स को, ऐसे खानों को हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स कहा जाता है। इसलिए आपने हमेशा वो वाला खाना चूज करना है अपनी फूड क्रेविंग्स के दरमियान भी जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आ जाती हैं चने, आ जाते हैं सफेद चने, काले चने, सब्जियां हैं, टमाटर हो गया, बंद गोभी होगी, प्याज हो गया। ये वो खाने हैं अगर आप खाती हैं तो अचानक से आपकी बॉडी में, ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर आप तरबूज खाती हैं, होल व्हीट ब्रेड खाती हैं, आलू हैं, चाहे वो चिप्स की सूरत में हैं या बॉइल्ड हैं, तो इससे आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में शुगर लेवल अचानक से ज्यादा हो जाता है। इसलिए आपने हमेशा वो वाला खाना खाने की कोशिश करनी है जिससे आपकी ब्लड में शुगर लेवल ज्यादा ना हो। मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्लाइसेमिक इंडेक्स के लिहाज से फूड्स लिख दूंगी जो कि आपको खाने चाहिए और वो जो कि आपको अवॉइड करने चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।